मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगा कर्फ्यू। कोरोना वायरस से ग्रस्त एक मरीज मिलने से पूरे शहर में मची सनसनी। ग्वालियर की चेतकपुरी में कोरोना वायरस से ग्रस्त मरीज मिलने के कारण पूरे शहर में पसरा सन्नाटा। इसके बाद जिले के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज शाम 4 बजे से कल 25 मार्च रात 12 बजे तक पूरे शहर में लगाया कर्फ्यू। अभी एक पेशेंट जो है कोरोना का मिला है, जो चेतकपुरी में रहता था, वैसे मूलतः वो इलाहाबाद का प्रयागराज का रहने वाला है। तो अभी एक पेशेंट मिला है, तो अब हम लोग जो है उसके कॉन्टैक्ट ट्रैक करा रहे हैं कि किनके किनके संपर्क में आए हैं, और उनको भी हम होम क्वारंटाइन करेंगे। मेरा आग्रह, सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षा और सावधानी बरतें। अभी ग्वालियर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं पर भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, घरों के भीतर रहेंगे। कब तक जारी रहेगा? अभी ये कर्फ्यू कल रात 12 बजे तक के लिए लगाया। अभी क्या स्थिति है सर, मेडिकल को लेकर यहाँ किस तरह की तैयारियां की जा रही है? मेडिकल को लेकर हम सुबह से ही लगे हुए हैं तैयारियों में। जहाँ से भी कोई क्वेरी आ रही है हम टीम को भेज रहे हैं और उसको डिसाइड करा रहे हैं।